हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। आज दोस्तों बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं और अभी दोपहर के लगभग दोस्तों एक बज चुका है और इस समय का व्यू देख सकते हैं कितना धूप है, बहुत कड़ा धूप है दोस्तों। और हवा तो दोस्तों आंधी जैसे चल रहा है, इतना हवा तेज़ है। और देख सकते हैं पूरा बाँस का पत्ता भी सारा झड़ चुका है, नया पत्ता आएगा इसमें। इतना ज़्यादा तेज़ धूप है कि घर से जो है ना इधर आ गया हूँ बांस की तरफ घूमने, क्योंकि दोस्तों इधर बांस का जो है ना ठंडा हवा, ठंडा बांस के जहाँ पे रहता है वहाँ पे जो है ना ठंडा लगता है, अच्छा लगता है वहाँ पे घूमने में। तो आ गया इधर और देखते हैं इधर, ये भतीजा लगेगा। तो क्या नाम है? दीपक। दीपक नाम है इसका। और दोस्तों काफ़ी धूप है, धूप इतना है कि मैं एल्वेस्टर वाला हमारा घर में पूरा पकता है ऊपर से, इतना ज़्यादा धूप है देख सकते हैं। थोड़ा भी चलेंगे तो पूरा पैर पकने लगेगा, इतना ज़्यादा धूप। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ फिर से घूमने सरेह की तरफ, अभी जा रहा हूँ गाछी होकर के देख सकते हैं। पहले ऐसा ना घिराया हुआ था, अभी घिरा गया हुआ है सरकारी फंड से। तो अभी चलते हैं दोस्तों, टाइम अभी 4:30 हो चुका है। तो इस समय का व्यू कुछ इस प्रकार का है। और दोस्तों फेरी पर नहीं जा पा रहा हूँ, न जाने का कारण है दोस्तों कि दोस्तों फेरी पर मन ही नहीं लगता है, क्योंकि श्रवण की मम्मी यहाँ नहीं है, वो अपने नई हल्ला चला गया है और चला गया है। इसकी वजह से हमको मन नहीं लग रहा है, अभी 10-15 दिन गया ही हुआ है और इस इतना ही दिन में हमको बेचैनी हो गया है। उसको कैसा है मालूम नहीं, लेकिन हमको बेचैनी हो गया है, लगता है कि कितना साल हो गया देखा हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। और आप लोग भाई, जो लोग भाई बाहर में है वो लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है, 3 महीना 6 महीना साल भर रहते हैं बाहर में तो कैसा लगता है। क्योंकि मुझे तो 10-15 दिन ही दूरी हुआ उसी में जो है ना बेचैनी जैसे होने लगा है। तो मुझे अभी कितना 15 दिन हुआ है गया हुआ, और मूढ़न था ना उसके भतीजा का, हमारे परिवार का वाइफ के भतीजा का मूढ़न था, उसी में गया हुआ। मूढ़न तो हो गया लेकिन रुका हुआ है, अभी आएगा 2-4 दिन में आएगी। तो मुझे तो मन नहीं लग रहा है, कहीं नहीं मन लग रहा है, घर पर भी मन नहीं लगता है और काम पर भी मन नहीं लगता है, इसकी वजह से मैं फेरी पर भी नहीं जा पा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आ गया हूँ घूमने इधर, मन कैसे बहल ही आ रहा हूँ लेकिन मान नहीं रहा है, मन कर रहा है अभी हमारे सामने आ जाए, इतना बेचैनी है। तो यहीं पे रुकता हूँ, यहाँ पर ठंडा है, यहीं पे बैठते हैं थोड़ा सा। और दोस्तों फेरी में भी जाता हूँ तो मन नहीं लगता है, 3 दिन गया फेरी में, एक दिन 12 बजे ही चला आया, एक दिन 3 बजे ही चला आया, मन ही नहीं लगता है, घर पर भी मन नहीं लगता है। और इतना बेचैनी है कि रात भर जगे रह जाता हूँ, लगभग 3 बजे 3:30 बजे नींद पड़ता है, तो नींद पूरा भी नहीं होता है, इसकी वजह से और भी पूरे दिन आलस जैसे मन रहता है। क्योंकि अच्छा काम के लिए जो है ना अच्छा नींद के होना ज़रूरी है, लेकिन जब नींद पूरा नहीं होगा तो कहाँ से होगा काम। और जाएंगे बुलाने, वो 1 तारीख को बोल रही थी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो जाएंगे बुलाने। और फेरी के काम की बात रहा तो दोस्तों, जिस तरह से एक बार सोचा जाए, अगर जिस तरह से वाइफ से अपने बच्चों से जितना प्रेम करते हैं प्यार करते हैं, उतना अगर मेहनत से और अपने काम से अगर प्यार करने लगे तो दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा होगा। और जीवन में जितना भी कठिनाइयाँ हैं, इतना मुझे विश्वास हो गया है कि जितना बीवी से, वाइफ से, बच्चों से जितना प्यार है, उतना अगर काम से अगर मैं प्यार करूँ तो थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके हो जाएगा। तो यही बात है दोस्तों, इसी वजह से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मन बेचैन है,
व्याकुल है, व्याकुल बोल सकते हैं इसको। चलिए, इससे पहले दोस्तों गई हुई थे ना तो लगभग 2 महीना रह गई, लेकिन मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब की बार मात्र 10 से 15 दिन ही हुआ है गया हुआ, उतना ही दिन में जो है ना मैं बेचैनी मुझे हो गया, बेचैन जैसे हो गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, और बात करते हैं कल शुक्र है, अगर कल आ जाए तो आ जाए, नहीं तो 2 तारीख या 3 तारीख को लाएंगे बुला के उसको, क्योंकि दोस्तों वो रहती है यहाँ पे तो काम तो उसको नहीं करना है, काम तो नहीं करती है, लेकिन सामने रहता है तो प्यार बना रहता है और काम करने में मन भी लगता है, एक तरह से कह सकते हैं तो हैबिट हो गया दोस्तों। देखते देखते सामने रहते रहते पास में नज़दीक में मतलब नज़र के सामने रहते रहते जो है ना आदत हो गया है, इसके वजह से थोड़ा भी दूरी बर्दाश्त नहीं होता है। और जो लोग बाहर है 3 महीना 6 महीना साल भर रहते हैं, उन लोगों को तो वहाँ का आदत हो गया है, उन लोगों का याद बर्दाश्त नहीं पड़ता है, क्या पता आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन जो लोग बाहर से हैं, लेकिन हमको तो भाई थोड़ा देर भी दूरी नहीं रहा होता है, बेचैन ही रहते हैं। उधर लगभग 8 दिन तक तो ठीक था, लेकिन 8 दिन के बाद लगभग 19 तारीख से जो है ना पूरी तरह से बेचैनी हो गया, तब से लेकर के अभी तक ले बेचैनी, मन करता है कब हमारे सामने आ जाए, और वहाँ जाएंगे भी तो जाएंगे, तो जाएंगे फिर आएंगे, इससे पहले पहले डेट निकलवा लेते हैं कि कब आना है, जब आएगी तब जाएंगे, नहीं तो फिर जाएंगे फिर आएंगे, फिर बुलाने जाना पड़ेगा, बार बार दौड़ना इसके लिए नहीं जा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे भाई लोगों को तो देखते हैं कि 5-10 दिन पर जाता आता रहता है, लेकिन मुझे वैसा नहीं करना है, एक ही बार दिन निकलवा लेते हैं, उसके बाद में जाएंगे बुला के लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का ही प्लान करते हैं, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, धीरे धीरे पता चल जाएगा कि बुला के कब लाते हैं, कब आती है और कब से फेरी पर जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले इतना ही, बाय बाय।